महानगर में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर भाजपा पार्षदों को बैठक संपन्न हुई। इस संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि शहर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। महानगर के हर वार्डो में निगरानी समितियां बनी हुई हैं, जिसके अध्यक्ष पार्षद हैं। हर वार्डो के पार्षदों को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने वार्डो में निगरानी समिति के सदस्यों के साथ बैठक करके उस वार्ड की समस्या को शासन और नगर निगम को अवगत कराएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, ऑपरेट करके उसको जमीन पल्ला में और जो इससे जहाँ जरूरत है वहाँ उनका उपयोग किया और ये जिससे हम लोग आपस राशन की जो दिक्कत है माननीय मुख्यमंत्री ने मजा कर दिया, राशन कार्ड हो या ना हो सबको मैं सब राशन जनता उसको सुन करके हम लोग कहती है जो कहती है कि सब समझते खा के मुख्यमंत्री हम लोग कितने रह रहे हैं उसकी रिगार्डिंग मेरे पास है। हमारे हर वार्ड में ऐसे आए जिनके यहाँ आपके परिवार के लोग भी विरोध कर रहे थे, पूरे चाचा वगैरह की रात पर रखा जाएगा, मैं आप भेज दीजिए वहाँ सूरजकुंड सरस्वती मंदिर पर और हम वहाँ बोल देते हैं इनको क्वारंटाइन करा दिया जाएगा, सेंट्रल मंत्री भी जाएगा कि किस तरह से इनको भेजा जाए। तो तहसीलदार साहब का जवाब था, अरे पार्षद जी आप तो सक्षम लोग हैं, अपने साधन से भिजवा दीजिए। देखिए हमारे पार्षद दल के नेता ऋषि मोहन वर्मा जी हैं, इनके आग्रह पर ये मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें हमारे उपसभापति यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोगों ने मीटिंग की है कि अपने शहर में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, हमारे हर वार्डों में निगरानी समितियाँ बनी हुई है जिसके अध्यक्ष हमारे माननीय पार्षद गण हैं। इन लोगों से निवेदन हमारे ऋषि मोहन जी ने किया है कि हर पार्षद जो अध्यक्ष है निगरानी कमेटी का अपने वार्डों में एक मीटिंग कर ले और जो भी समस्याएं हैं उसको शासन प्रशासन को अवगत कराए, नगर निगम के अधिकारियों को करावे, मेयर को करावे कि हम लोग जो कोरोना फैल रहा है उस पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण पा सकें, इसलिए मीटिंग की गई है। और ये सभी पार्षदों ने यह तय किया है कि हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में मीटिंग करेंगे और जो भी सुझाव होगा शासन प्रशासन को देंगे और उस पर त्वरित कार्रवाई आपको करा हमें निर्देशित किया है कि कार्रवाई आप कराएंगे। दूसरी चीज़ है कि पार्षदों की मांग थी कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, 1,000 रुपया उनके खाते में नहीं है, उन्हें इन लोगों को इनकी जितनी समस्याएं हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया गया है 1 हफ्ते पहले और मुख्यमंत्री जी ने उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जो राशन वितरण में समस्याएं आ रही हैं, 1,000 लोगों को मिलने में समस्याएं आ रही हैं, जो बाहर से आए हुए मजदूर हैं उनको राशन नहीं मिल रहा है, उनको मुख्यमंत्री जी ने सीधे सीधे शासन को निर्देशित किया है कि उनको आप राशन दें और उनके खाते में पैसा शीघ्रासित पहुँचाएँ। पहले व्यवस्था RTGS के द्वारा थी, उसी व्यवस्था को हम लोगों ने लिखा था कि उससे त्वरित पैसा जरूरतमंद के खाते में चला जाता है, इसको मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है और उस पर कार्रवाई की है। सभी जरूरतमंदों को राशन और 1,000 रुपया मिलेगा, एक मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश।